हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। आज दोस्तों, जो ऑसिलेशन चैप्टर है आपका, उसमें स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जी नीट वाले बच्चों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। स्प्रिंग वाले सम्स करने हो तो ये बेसिक वन शॉट रिविजन आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको सम्स में और मजा आएगा। ठीक है, तो आपके लिए वन शॉट रिविजन लेके आया हूं, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, ऑसिलेशन चैप्टर में स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो कि दो स्प्रिंग को मैंने सीरीज कनेक्शन दे दिया है। दो स्प्रिंग में सीरीज कनेक्शन लगाया है, ये रहा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसमें मैंने एक रिजिड सपोर्ट ले लिया है, रिजिड सपोर्ट ले लिया है। अब उससे मैं स्प्रिंग अटैच कर रहा हूं, एक और ये दूसरा, और यहां पे एम मास लगा रहा हूं। ठीक है, दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के वन है, इसका के टू है। व्हाट इज के, मैं पूरा डिटेलिंग समझा रहा हूं आपको, दो मिनट के लिए शांति रखिएगा। और ये मास एम है। ठीक है, अब ये कनेक्शन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, घर की बात है, हम किसी को नहीं बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ये एम मास है, सो के वन एंड के टू, बोलो डन है डन है डन है। ये मास लटका दिया है, ये के वन एंड के टू है। ऐसे स्प्रिंग के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ओके सर, सो यहां पे के वन एंड के टू जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, पूरा डिटेलिंग मैं करूंगा, सीरीज में है। ओके सर, सीरीज में है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। अब सीरीज कनेक्शन होता है तो आपको पता है, तो इक्विवेलेंट के क्या आएगा इन दोनों का, इक्विवेलेंट के क्या आएगा, सो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, आपको याद है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, डन 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 डन, कोई इश्यू है नहीं है, पक्की बात पक्की बात, चलिए ठीक है। सो मान लो एन स्प्रिंग होती तो वन अपॉन के एन लिखता मैं। दो स्प्रिंग के लिए वन अपॉन के एस इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, इसको ही मैं उल्टा सीधा करके लिखूंगा तो ऐसे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? सर बिल्कुल आ पाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है, ये मेरा सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, मान लो कि इसी में इफ भाई सीरीज एटले गुजराती मीडियम स्टूडेंट, सीरीज मतलब श्रेणी मा, ओके, समतुल्य के आटलो था, जो इफ के वन के टू इज इक्वल टू के वन और के टू दोनों इक्वल हो, तो आप पता कर सकते हो कि सीरीज कनेक्शन में के इंटू के और नीचे के प्लस के मतलब टू के कट के बाय टू, दो स्प्रिंग है, के वन और के टू लिया ना, तो दो स्प्रिंग है तो उनका सीरीज आया के बाय टू। एन स्प्रिंग होता तो के एस क्या आता, के बाय एन, बोलो। इतना सिंपल जा रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है क्लियर है क्लियर है, चला जाए। ठीक है, तो इसमें अब मुझे स्प्रिंग के लिए टाइम फाइंड करना है। स्प्रिंग एक्चुअली ऐसे एस एच एम कर रहा है, तो एम बाई के फॉर्मूला है ही, ठीक है, पेरियोडिक टाइम का। ठीक है ठीक है सर, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो वन अपॉन टी उल्टा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हो गया कि नहीं? अब मान ले मुझे सीरीज कनेक्शन पूछ रहा है और उसमें टी फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, सीरीज कनेक्शन का जो के है वो इसकी जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू टू पाए एम बाय के एस, टू पाए एम बाय के एस, के एस मतलब ये रख दो के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू मतलब के वन के टू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे जरा आइए, तो ये वाली मैटर पे आता हूं, थोड़ा आपको समझाना है। टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम, राइट और लेफ्ट, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम इफ के इज कॉन्स्टेंट, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के इफ एम इज कॉन्स्टेंट, डन है डन है डन है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस पर से दोस्त,
हो सकता है सर। तो बेसिक नॉलेज लीजिएगा, बेसिक नॉलेज है। ये जो एम है वो क्या होता है सर? इनर्शिया फैक्टर, जड़त्व नो फैक्टर है, जड़त्व कहवाये ने, अने आ स्प्रिंग माटे छे, એટલે this is for the spring, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर है ये, ओके। मान ले अच्छा ये एम है क्या एक्चुअली में? लटकायल मास छे दोस्त, लटकायल दड़, सस्पेंडेड मास है, जो मैंने सस्पेंड किया ना यहाँ पे, ये रहा, ये जो मास लटकाया हुआ वो मास है, स्प्रिंग मास लेस है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, ओके। अब दोस्त थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं, यदि जो मास लटकाया हुआ है उसको मैं बढ़ा दूं, मास लटकाया हुआ है जो स्प्रिंग पे उसको मैं बढ़ा दूं, मतलब कि उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, दड़ वधारू तो जड़त्व वधी जाए, इनर्शिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो जड़त्व वधे दोस्त, तुमने खबर छे जड़त्व इनर्शिया बढ़ता है तो हिलन चलन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है सर। भाई कोई बहुत ही वेट वाला बंदा है, बहुत ही मास वाला बंदा है, अब वो ज्यादा हिल पाएगा या पतला इंसान ज्यादा हिल पाएगा? पतला सर, मतलब ज्यादा मास आ रहा है, इनर्शिया बढ़ रहा है तो वो हिलन चलन मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, ओके। तो ऐसे ही ये जो मास ज्यादा हो जाएगा तो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, भाई ऑसिलेशन करने में बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा, मतलब कि आपके जो ऑसिलेशन हैं वो क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। बोल डन है? तो ये लॉजिक आप क्लियर रखोगे बॉक्स वाला, ये फंडा फोकस लाइफ टाइम आपको काम में आने वाला है, लॉजिकल बात यह है। अब K के बारे में चर्चा करता हूं, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके सर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। मान लो कि K है क्या सर स्प्रिंग कांस्टेंट? 2 मिनट के लिए रुक जा खाली तू, मैं समझा रहा हूं, बहुत तगड़ा वाला लेवल है K का, इसलिए समझाना पड़ेगा। K मान लो बढ़ा दू तो फॉर्मूला पर से T कम हो जाएगा, मतलब ऑसिलेशन करने में अब टाइम कम लेगा, भाई स्प्रिंग नो बड़ा चढ़ांग छे ये वधारी दो तो ऑसिलेशन में टाइम कम होगा। इस फॉर्मूला पर से देखिए, ऑसिलेशन में टाइम कम लेगा मतलब कि ऑसिलेशन कैसे हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। ऑसिलेशन कैसे हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये दोस्तों कलाकारी है इस पूरे फॉर्मेट की, ठीक है। अब एक्चुअली में के है क्या उसकी हम चर्चा करते हैं, 2 मिनट के लिए मैं पेज चेंज कर देता हूं, 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूं। चलिए चलिए चलिए, पेज चेंज हो चुका है। आज जो तगड़ा कॉन्सेप्ट एक और है, मैंने बोला आपको कि के क्या है सर, आप तो के पूरे साल यही पढ़े हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? ये तो ठीक है सर, और नई वाली बात बोलता हूं। एक्चुअली के है ना कि मैंने देखो 2 स्प्रिंग ड्रॉ की है, ये जो के है ना, स्प्रिंग कड़क है या नरम? स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस, स्प्रिंग कड़क छे के नरम ए दर्शावे छे, इट शोज द, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। के क्या शो करता है? मेजर ऑफ स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब कड़क, या तो सॉफ्टनेस मतलब कि नरम ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मान ले ये बहुत कड़क स्प्रिंग है, बहुत ही कड़क स्प्रिंग है, कड़क स्प्रिंग होगा, आराम से बात करेंगे, हम सब होशियारी है, टेंशन नहीं लेना है ना, चला जा। स्प्रिंग कड़क है मतलब कि स्टिफ है, ज्यादा स्टिफनेस ज्यादा है, कड़क ज्यादा होगी तो मैं खींचूंगा नीचे, का यस खींचूंगा नीचे तो क्या होगा उसका एक्सटेंशन, कड़क ज्यादा होगी तो एक्सटेंशन कम होगा, मतलब ज्यादा खींच नहीं पाऊंगा उसको। क्यों नहीं खींच पाऊंगा? क्योंकि स्प्रिंग कड़क है भैया, इमेजिनेशन हो रहा है, कड़क स्प्रिंग है, ज्यादा खींच नहीं रही है तो एक्सटेंशन कम हो रहा है, मतलब इसका के ज्यादा तो एक्सटेंशन मतलब बहुत ज्यादा खींच नहीं पाऊंगा वो कम होगा, ठीक है। इसमें देखिए आप,
अब एक ऐसा स्प्रिंग ड्रॉ किया है मैंने कि जो थोड़ा नरम है, मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्प्रिंग, नरम सॉफ्ट स्प्रिंग है। सॉफ्ट स्प्रिंग का के कम है ना, हाँ, कड़क का के ज्यादा, स्टिफनेस ज्यादा है, नरम का के कम होगा। तो एक्सटेंशन क्या होगा, मतलब स्प्रिंग ऐसा नीचे तक, नीचे खींचूंगा तो ज्यादा खींचेगी, एक्सटेंशन ज्यादा, बोल डन है। तो आपको दिख रहा है दोस्तों के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन है डन है डन है। कोई इश्यू है क्या, पक्का पक्का, चल ठीक है आजा। और तुझे दूसरा लिखना हो तो के डिपेंड्स ऑन रेडियस, ये सब छोटी छोटी बारीकियां दोस्तों आपको स्मार्ट बनाएगी और आप एग्जाम में मतलब कॉन्फिडेंस से आपको लॉजिक क्लियर होंगे। चलिए, लेंथ रेडियस एंड मटेरियल ऑफ वायर यूज्ड इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग जिससे बनाया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब शांति से इसको मैं लॉजिकली बात करूं तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इतले के एक्सटेंशन था, इतले के लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग मतलब जो खींच रहा हूं वो लेंथ है ना, ओके। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा आपको, क्लियर, ये बात क्लियर है। अब स्टिफनेस ज्यादा है मतलब बहुत ही कड़क स्प्रिंग है तो खींचेगा कम, खींचेगा कम, खींचेगा कम दोस्तों आप देख लो। तो आप टी के बारे में क्या बोल सकते हो, सर मुझे तो इस फॉर्मूला पर से, मान लो लॉजिक नहीं भी दौड़ाऊ ना, इस फॉर्मूला पर से पता है स्प्रिंग ज्यादा कड़क है, के ज्यादा है तो उसका टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, के ज्यादा तो टी कम, ठीक है। कैसे सर, ज्यादा कड़क स्प्रिंग है तो आपको शायद आप पढ़े हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देखिए ये स्केल है वो ज्यादा है, तो देखिए स्केल है ना ज्यादा कड़क है, मैं इसका ऑसिलेशन करवाना चाहूं, देखिए तुरंत ऑसिलेशन हो रहा है, ये देखिए तुरंत अपना जगह वापस ले रहा है, तुरंत अपना जगह वापस ले रहा है, क्यों, ये स्केल क्या है, बहुत कड़क है, तो स्केल कड़क है मतलब देखिए ऑसिलेशन फटाफट हो गया, आपको लग रहा है तुरंत खड़ा हो गया, ये तुरंत स्टॉप हो गया, नहीं रे, ऑसिलेशन स्पीड में हो गया, काट 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 कर और बंद हो गया, देख है ना। अभी इसकी जगह पर मैं एकदम ल्यूज स्केल लू, एकदम धीमे धीमे ऑसिलेशन करेगा, ठीक है ना। तो चलिए बोलिए कि कड़क ज्यादा स्प्रिंग होती है तो उसका पीरियडिक टाइम कम होता है, मतलब कि ऑसिलेशन फास्ट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि जा रही है, के कम है तो टी ज्यादा होगा, मतलब धीमे धीमे ऑसिलेशन होंगे, ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाती है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें, बोलिए डन है डन है डन है, ये पूरा तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्त, चल ठीक है ना। मैं आशा रखता हूं कि वो समझ में आया होगा, पक्का, चल दो मिनट, अब मैं समझाता हूं आपको स्प्रिंग का पैरेलल कंडीशन, पैरेलल स्प्रिंग होता है तो उसका हम क्या हालचाल कर सकते हैं, दो मिनट रुक जाइए, दो मिनट रुक जाइए, टैन 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 टैन। पहले तो पैरेलल कनेक्शन होते कैसे हैं, स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन होते कैसे हैं, तो स्प्रिंग का पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, स्प्रिंग का पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है सर, हमने देखा हुआ है सर, अच्छा होता है, स्मार्ट लगता है चल ठीक है, समांतर जुड़ान भाई, समांतर जुड़ान, ठीक है ओके। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, पहले तो मैं ये रिजिड सपोर्ट बना देता हूं जिसपे मुझे स्प्रिंग को बांधना है, चलिए टकाक टक 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 टकाक, जुम मुर्ब निधन घट करे मन, मुर्ब निधन घट करे मारु मन, मुर्ब निधन घट करे, ये हो गया एम मास, ठीक है, स्प्रिंग का के वन और के टू, दो स्प्रिंग के बीच में कुछ मास आ जाए तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो स्प्रिंग में क्या था आपको याद है, हाँ, उस स्प्रिंग में बीच में मास नहीं था, लास्ट में मास था, तो डायरेक्ट जुड़ता ही रहे तो वो सीरीज कनेक्शन है,
और ये बीच में मास आ जाए तो पैरेलल कनेक्शन है। ऐसा दूसरा आप देखिए ड्रॉ कर सकते हो जिससे कि आपको पता चले, इसको भी पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। बोलिए इसको भी आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और आपको ड्रॉ करके बताऊं, इसके सम्स लूंगा तब आपको और क्लियरिटी होगी। टक 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 टक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। के टू ले ले, के वन ले ले, इसका स्टीफनेस के वन एंड के टू। बोलो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का कैसा रहा दोस्त, स्टीफनेस सॉफ्टनेस कितना मजा है, सही बोलना है, ठीक है ना। चला जा, अब मान लो इसका मुझे बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट के फाइंड करो, तो डायरेक्टली सम ही होता है भाई, पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट सम होता है। आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस से उल्टा है ना। हाँ, रेजिस्टेंस में सीरीज होता तो क्या, पैरेलल होता है तो क्या होता है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू है ना, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू होता था ना, उससे उल्टा ही है। ठीक, चला जाए, मान ले एन एन स्प्रिंग होता तो के एन तक खींचता, दो स्प्रिंग है तो के पी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। ठीक है, डन है डन है डन है। तो इसका टी कैसे लिखेगा तू, टू पाई एम अपॉन के पी, टू पाई एम अपॉन के वन प्लस के टू, दो स्प्रिंग है तीन है तो के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ओके, मान लो भाई जो के वन बराबर के टू बराबर के हो तो, इफ के वन इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के, देन के पी इज इक्वल टू टू के, टू के थ्री के, फिर पी के डायरेक्ट आमिर खान वाला है ना, जुम जुम जुम। चल के प्लस के टू के, एन स्प्रिंग के लिए, एन स्प्रिंग के लिए के पी इज इक्वल टू एन के। ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनेगी, लेकिन कब ये एन के कब लगा सकते हो, जब के सेम हो, स्टीफनेस सेम हो, के वन प्लस के वन और के टू के थ्री के फोर सब सेम हो तब की बात है। ठीक है, चलिए चलिए, बुरे डन है डन है डन है, इसके सम्स लेके आऊंगा। हाँ, ये हो सकता है छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे ले सकता हूं। मान लो स्प्रिंग का भी मास हो तो, फॉर मासिव स्प्रिंग, स्प्रिंग नू पण मास कंसीडर करूं तो, इन सब केस में मैंने स्प्रिंग का मास कंसीडर नहीं किया है। तो देखिए आप, ये जो मास है वो तो स्मॉल एम है, स्प्रिंग का मास मैं कैपिटल एम ले लेता हूं। तो बोलिए स्प्रिंग का मास कैपिटल एम और ये जो मास सस्पेंडेड है मतलब जो मास लटकाया है वो स्मॉल एम है। तो अब इसके लिए पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इफेक्टिव अपॉन के। ठीक है, एम इफेक्टिव क्या है, एम प्लस एन। ठीक 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 ठीक, बोल चलेगा। स्प्रिंग का भी मास लेना पड़ेगा, अभी मासिव स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का मास हो तो, बोल डन 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 डन। चल पेज चेंज करके इसके सम्स लेता हूं। ठीक है, चल चलिए स्टूडेंट, चलिए चलिए चलिए, अब सम्स ले रहा हूं, तगड़े वाले तगड़े वाले लेवल वाले सम है सारे के सारे। स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशन बायल के, सर थैंक यू वेरी मच। उसके सम है, पहला डायग्राम बनाया मैंने, ये सर कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, इसका भी के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी के है, तो फॉर ए डायग्राम व्हाट इज द के ऑफ पैरेलल कनेक्शन, टू के। हाँ, ऐड होगा ना टू के, तो इसका पीरियडिक टाइम क्या हो जाएगा, एम अपॉन के पी, टी इज इक्वल्स टू टू पाई एम अपॉन के पी मतलब टू के। हो रहा है क्लियर, हो रहा है क्लियर, हो रहा है। हाँ ठीक है सर, ओके, इसको मैं टी वन नाम दे देता हूं। फॉर बी डायग्राम आई कैन सी दैट स्प्रिंग ऑफ के के एंड बीच में मैंने लगाया है एम मास। ठीक है, एम मास लगाया बीच में, तो इसका भी सर के पी क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा। देखा डायग्राम अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है दोनों पैरेलल कनेक्शन ही, तो इसमें भी टी टू इज इक्वल टू टू पाई एम बाय के पी, ऐसा पूछते हैं आपको, टू पाई एम बाई टू के, मतलब कि दोनों डायग्राम बोल के आपको पूछेंगे भी व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पीरियडिक टाइम, तो टी वन बाई टू का रेशियो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बोल ऐसा पूछते हैं, मैं क्या करूं, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं बाजू में ही, मावनी पास मांग जे खाली ना तेरे, सपनों बिनों ने खाली रो। चलिए बेटा चलिए, क्लियर क्लियर बातें हो रही हैं, टिंग टिंग टिंग, के एंड के, टक 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 टक। चलिए बोलिए बोलिए, कनेक्शन बोलिए फटाफट, स्पीड में कनेक्शन बोलिए। सर देखिए सर, एक्चुअली में क्या है, ये दोनों पैरेलल है,
तो इनका हो जाएगा केपी इज इक्व टू टू के, और ये तो क्या है, अब नया डायग्राम बनाऊं मैं नया, तो क्या मिलेगा नए में, तो सर ऐसा कुछ आपको मिलना चाहिए, ऊपर वाला तो जो के है वो के है, ये दोनों मिला के कुछ टू के बन गया, और नीचे एम मास तो है ही, बोलिए डन, ये दोनों को मिला के क्या बन गया, टू के बन गया। अब ये कैसा कनेक्शन है, नाउ दिस कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है जी। सीरीज कनेक्शन में क्या था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, चलिए के और टू के है, नीचे के प्लस टू के हो जाएगा, के इंटू टू के और नीचे थ्री के, है ना, चलिए ठीक है, तो के एस इज इक्व टू टू के बाई थ्री, मतलब टोटल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट क्या आया, टू के बाई थ्री आया ना। अब उसका बोलो पेरिडिक टाइम फाइंड करना हो तो, सो वी आर वेरी स्मार्ट, यू नो दैट वी आर एक्सैक्टली वेरी स्मार्ट, एक्सैक्टली वेरी स्मार्ट हो सर, चल बोल चलेगा। हाँ केस के यहाँ पे टू के बाई थ्री रखना था, थ्री ऊपर चला गया, इतना इजू का मेरे, कितना इतना इजू, एकदम इजू है भाई, टी इज इक्व टू टू पाई अंडर रूट थ्री एम बाय टू के। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होगा लेवल, अभी धीमे धीमे लेवल टफ करते जा रहा हूं मैं। हे हे हा 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 हा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये दोस्तों बेसिक लेक्चर है, एकदम बेसिक लेक्चर है, इसके और पूरा क्वेश्चन बैंक जो होता है उसको पूरा सॉल्व करके रखूंगा मैं यूट्यूब पे ही, आप देखिएगा, तगड़े तगड़े आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और इसका टू के है, एडवांस में ही बोल दिया। अब बोलिए दोस्तों इसका पेरियडिक टाइम क्या होगा, स्प्रिंग जो घूम रही है टक 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 ऐसे होगा ना भाई, हाँ एक साइड से खींचूंगा, जूम 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 ऐसे होगा, ऑसिलेशन करेगा एसएचएम, ठीक है। तो इसका सर पैरेलल दिख रहा है, बीच में मास है तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, के प्लस टू के मतलब कि थ्री के, ओ हो सर पी के, आमिर खान इज देयर, सो की इफेक्टिव टू पाए एम बाई थ्री के, बोल डन है, डन है, डन है, ओके क्लियर है, लोचा नहीं मारा ना, एम बाय के डन है। मान लो इसका फ्रीक्वेंसी पूछते हैं आपको, फ्रीक्वेंसी एफ, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को एन भी डिनोट करते, कोई टेंशन नहीं लेना। तो देखिए टी तो था ही और वन अपॉन टू पाए थ्री के बाय एम, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम, हालचाल क्लियर सारे के सारे, ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, चौथा क्वेश्चन, रुक जा पेज चेंज करके लेता हूं, ये बोल तीन क्वेश्चंस कैसे रहे, ठीक है ना, दो मिनट रुक जा पेज चेंज करता हूं। चलो भैया चलो चलो चलो, पेज चेंज हो चुका है, स्वाहा टिंग निंग 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 जूम जूम जूम, ठीक है भैया ठीक है सर, एम मास लटकाया है और के वन के टू को बुलाया है, टिंग निंग टिंग निंग, क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है मेरा कि ये पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। तो इनका बोल रहा है पैरेलल कनेक्शन है तो उनका इंडिविजुअल, मान लो कि पहले सुनो ध्यान से, पहले ये स्प्रिंग अकेली है और बाद में ये स्प्रिंग भी अकेली है, मतलब पहले सीन ऐसा था, ये जो मैंने ज्वाइन किया उससे पहले सीन क्या हुआ होगा, ये के टू वाली और के वन वाली, ठीक है, हाँ स्प्रिंग होगी, दोनों पर्सनल स्प्रिंग थी पहले, उन दोनों को फिर मैंने कनेक्ट किया और एम मास के साथ लटका दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं इनके पर्सनल जो टीथ है, T1 होगा पर्सनल T, इसका जो भी ऑसिलेशन का पीरियडिक टाइम होगा इसका T2 होगा, और ये दोनों जो कनेक्शन किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है टोटल, उसका पीरियडिक टाइम कुछ अलग होगा, ठीक है सर। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन किया है उसका पीरियडिक टाइम और इन दोनों का इंडिविजुअल पीरियडिक टाइम का रिलेशन फाइंड करना है मुझे, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा इसलिए लिखा नहीं मैंने, ठीक है चला जाइए कोई बात नहीं। सर पैरेलल कनेक्शन में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हो सकता है सर, एक काम ये हो सकता है,
इंडिविजुअल में टी वन इज इक्वल्स टू टू पाई एम बाई के वन हुआ, एम मास से लटकाया। फिर टी टू अलग से इंडिविजुअल में, इसका दूसरी स्प्रिंग का क्या हो गया, एम बाई के टू हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। और मान ले कनेक्शन है पैरेलल, तो उसमें हो गया एम बाई के टोटल। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके सर, तो अब इनके टी का रिलेशन क्या है, टी का रिलेशन फाइंड करना है। दो मिनट का काम है मेरे लिए, दो मिनट का काम है। तो ऐसा नहीं बोल सकता टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, नहीं बोल सकता रे। टी टी वन और टी टू के बीच का रिलेशन फाइंड करो। तो देखो ऐसे फाइंड करना है दोस्तों, इसमें से मैं के वन फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा सर बराबर है के वन को पहले तो स्क्वायर करेंगे, तो टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन के वन हो जाएगा। के वन सामने भेज दे, ये आ गया। उसी हिसाब से के टू क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर टी टू स्क्वायर एम, और खाली के क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एम, टी स्क्वायर और ऊपर एम। ठीक है बेटा, क्लियर है बात हो रही है, समझ में आ रहा है। ओके चलो, अब दोस्तों पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से, पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से आप जानते हो के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, कितना तगड़ा सम हो रहा है। के मेरे को मालूम है सर, टिंग निंग टिंग निंग टिंग टिंग, के वन भी पता है सर मेरे को, पतो है मेरे को, पतो है ये रहा। के टू भी पतो है, क्या पतो है, ये रहा सर, टिंग निंग टिंग निंग टिंग निंग, फोर पाई स्क्वायर एम सामने से कॉमन और उड़ गया। गंदी बात, गंदी 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 बात उड़ा दिया। ये रिलेशन आप लिख सकते हो, डन। आपको और लिखना है, मान लो एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शंस देते हैं, टी रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू टी वन रेस टू माइनस टू प्लस टी टू रेस टू माइनस टू, दैट्स इट, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पर से रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल इसका पहले, फिर इंडिविजुअल इसका, फिर दोनों को कनेक्ट किया तब ये पैरेलल कनेक्शन में ये, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, इस पर से इसलिए मैंने के लाया, आइडिया दौड़ाया, के लाया, के वन लाया, के टू लाया, के लाया। फिर पैरेलल कनेक्शन में मुझे टी का रिलेशन नहीं पता है, लेकिन के का रिलेशन तो पता है, बोल हाँ या ना। हाँ, तो उस पर से फिर मैंने टी लाया है। बोल भाई, तगड़ी बातें हो रही है, समझ में आ रही है आपको कि देखो सब ऊपर से ही जा रहा है भाई, ऊपर से जा रहा है, नहीं ना। हाँ चल ठीक है, तो आज चला जा। पांचवा क्वेश्चन लेता हूं, पांचवा क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, अब आप होशियार बनो, टैलेंटेड बनो। हे मावड़ी बांझे मांग जे खाली रात ने, सपनों भी नौनी खाली रात। चलिए चलिए चलिए, मेरे गांव में वो जो गली वहां रहती है मेरी दिल के। ओके चलिए भैया, हो चुका है काम काज, के एंड के। चलिए ऐसे स्प्रिंग का कनेक्शन है, तो आप मुझे बोलिए इसका टी क्या होगा। अरे सर, ये तो मैं बचपन जब पैदा हुआ था सर, तभी मुझे नर्स ने ही बोल दिया था कि इस साइड का पैरेलल कनेक्शन है, तो के पी इज इक्वल्स टू टू के। ठीक है ठीक है ठीक है, और थोड़ा इसको टफ करूं, और इसको थोड़ा टफ करूं सम को। चलिए टफ करते हैं, छोड़, और टफ करता हूं, ये बीच में से हटा दे, और एक कनेक्ट कर देता हूं स्प्रिंग, और एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देता हूं भाई। सम तो वही था, लेकिन अभी अचानक आइडिया आया, तो और थोड़ा चेंज कर दिया, ये जान दे, समझ में आ रहा है। हाँ, दो स्प्रिंग ज्वाइन कर दिया, ये बीच में से यहां पे ले आया मैं। ठीक है, अब बोलिए सर, हाँ ये भी बचपन से पता है, ये दोनों इस साइड एम मास के इस साइड दोनों पैरेलल में, एम मास के इस साइड दोनों सीरीज में है। सीरीज में तो क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, और इसमें नहीं जाने का रे दोस्त, सीरीज में दोनों सेम हो तो या देखो के एस इज इक्वल टू के बाय एन के बाय टू, इतना इजी था। और ऐसे जाना हो तो देखिए के इंटू के अपॉन टू के, कट कट आ गया के बाय टू, तेरी इच्छा जैसे तेरे को जाना हो। ठीक है ना, तो ये के एस आ गया, इस साइड का के पी आ गया। अब इसको ड्रॉ करो, तो फिर से दोस्तों इसको ड्रॉ करेंगे ना सर, तो बोलो क्या करेंगे, क्या करें, बार बार अवन करेंगे थोड़ी होता है रे, ड्रॉ करेंगे ड्रॉ करेंगे ड्रॉ करेंगे।
चलिए बेटा क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके ये तो मास एम था ही बीच में, ए स्प्रिंग का अब कांस्टेंट क्या हो गया, 2k हो गया दोनों का मिला के, इस तरफ क्या हो गया k बाय 2 हो गया। अब वापस से ये दोनों किस में है, अब बोलिए k इफेक्टिव क्या आएगा। सर वापस से ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो पैरेलल में, तो पैरेलल का k इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2k प्लस k बाय 2, 2 इधर जाएगा, 4k प्लस k 5k बाय 2, डन है डन है डन है। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाए एम बाय के, t इज इक्वल्स टू 2 पाए एम बाय के, k क्या आएगा नीचे 5k और ऊपर 2। बोल इतना इजू काम हो रहा है, इतना इजू, क्लियर हो रही बेटा बातें, क्लियर है। 2 मिनट रुक जाए, एक पेज चेंज करके नया सम लेता हूं, चलना इसी में ले लेते हैं आ जाए। चल और 2 सम बाकी रहे हैं, मस्त टॉपिक क्लियर। 6th सम, एक स्प्रिंग है, शांति से सुनना। चल टक 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 टक, ध्यान से हो दोस्त ध्यान से, जुम 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 जुम, ये 2 स्प्रिंग लटकाया मैंने, के और के वाला है ना। ओके और ये दूसरा स्प्रिंग है, वो भी दोस्तों के वाला ही है, ठीक है। अब शांति से दिमाग लड़ा, इसका मुझे टी फाइंड करना है। बहुत ऐसे टफ सम लेने वाला हूं, मुझे क्वेश्चन बैंक और ये सब कराऊंगा, तब टेंशन नहीं लेना, चला जा बोल। तो दोस्तों मैं शांति से इसको ड्रॉ करके देखता हूं ना बाजू में, ऐसे एकदम आराम से, ऐसा मुंह पे हाथ रख के शांति से, आपने नहीं सोचते हैं गाल पे हाथ रख के, ऐसा शांति से इसको देखेगा ना तो ये सामने से क्या बोल रही है पता है, मालिक ओ मालिक। हाँ बोलिए बेटा, ये है ना एक्चुअली मैंने ये जो ये पोर्शन किया है ना, मतलब कि ये जो स्प्रिंग है इससे और इसको कोई लेना देना नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ये स्प्रिंग निकाल के ठबाक इधर रख दूंगा, और इस ये जो स्प्रिंग है इसका छेड़ा निकाल के इधर रखूंगा ठबाक। तो देखिए सीन क्या क्रिएट होने वाला है, ऐसा सीन क्रिएट होगा। बोल क्या हुआ, ये जो आड़ा ये दिख रहा है इसको स्प्रिंग, ये पूरा उठा के मैंने यहां से निकाल के छेड़ा और यहां पे टांग दिया, हो गया, और ये छेड़ा निकाल के यहां पे टांग दिया, तो हो गया कि नहीं बोलिए। सो के 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 डन है। अब बताइए अब तो सर आप यार स्मार्ट एकदम, ये सीरीज फिर दोनों का जो आंसर आए फिर दोनों पैरेलल आ जाएगा टी। ओके डन करना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। चलिए एक इसी का मेरे पास क्वेश्चन है, आराम से उतावल नहीं करने की लाइफ में, टक 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 टक। अब देखना हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। ओहो सर अब की बार आपने लोचा मार दिया, सर लोचा मार दिया, अब की बार ये स्प्रिंग यहां से कनेक्टेड है, इसमें कनेक्टेड नहीं थी, मैं थोड़ा ऊपर कर दिया पोर्शन, देखा आपने, हाँ इसमें कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर हमको, ये हमारा पैरेलल हो गया, ये हमारा पैरेलल हो गया, अब पैरेलल हो गया है तो इसका 2k हो गया, इसका 2k हो गया। अब नया डायग्राम जब तू बनाएगा, बोल ये 2k हो गया और 2k हो गया है ना, ऊपर का पैरेलल था और ये जो यहां पे टच हुआ वही ये रहा, ठीक है, और नीचे का है 2k 2k 2k, अब ये सीरीज हो गया, तो सीरीज में आपको पता है क्या होगा, हाँ आधा हो जाएगा ना, के बाई 2 आता है, आधा हो जाएगा मतलब k हो जाएगा, डन है, समझ में आ रहा है तो देख ले। अरे यार बबुआ ये है बंबई नगरी है, तू देख बबुआ 2k × 2k / 4k कट कट 4 4 के आंसर, बोल डन है, के इफेक्टिव आ गया, बस कर दे टी, डन है डन है डन है। चल लास्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाएंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग है उसके छेड़े पे मतलब उसके एंड पे मैं एम मास लटकाता हूं, ठीक है, और फिर स्प्रिंग को खींचता हूं टकाक, तो उसका पेरियोडिक टाइम क्या आता है, मुझे टी मिला, समझ रहा हूं बात को। एक स्प्रिंग है
उस पे एम मास, कैपिटल एम मास लटका है, उसको थोड़ा सा खींचता हूं तो उसका मुझे पीरियडिक टाइम क्या मिलता है, टी मिलता है। तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू पाई कैपिटल एम अपॉन के। डन है, डन है सर। अब मान लो ये एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं AI ट्रिपल ई में 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा आराम से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान ले स्प्रिंग पे जो एम मास तो लटका हुआ है और स्प्रिंग पे मैं टक 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 एम मास तो लटका हुआ है उसके ऊपर और एक एम मास लटकाता हूं तो क्या हो गया, कैपिटल एम था और अंदर मैंने स्मॉल एम ऐड कर दिया, तो इसके नीचे लटका दो, बाजू में कहीं पे मतलब लटका दो, ठीक है। तो अब जो पीरियडिक टाइम है टी वो 5T/3 हो गया। तो सर पहले तो इसको सॉल्व करने दो, टी इज इक्वल्स टू 2πm/k था, अब की बार क्या हो गया 5T/3 2π, और जो मास था वो क्या हो गया m+m/k हो गया। ये सिचुएशन हो गई दूसरे वाले में, और पहले वाले में ये सिचुएशन, ठीक है। तो बोल रहा है मुझे कि स्मॉल m और कैपिटल m का रेशियो फाइंड करो, तो तू कुछ नहीं करना 2/1 कर देना। चल तो 5T/3 2π√m/mk 2π√M/k, ये 2π k गॉन t गॉन 5/3 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम अपॉन एम, ठीक है। स्क्वायर कर, तो स्क्वायर कर 25/9, डन है, 25/9 स्क्वायर करेगा, ओके। अब देख स्क्वायर करेगा तो m+m/M आएगा, देख आराम से देखना, 25/9 m के नीचे m गया 1 और ये m के नीचे m गया, ठीक है, बोल डन है। अब ये 1 इधर जाएगा तो 16/9 आ जाएगा m/m, इतना इजी है। सारे कॉन्सेप्ट चला दिए, तब तक के लिए मजे कर दोस्त। थैंक यू वेरी मच, तूने ये लेक्चर अटेंड किया, बहुत बहुत थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में आपको जो अच्छा लगा वो लिखिएगा प्लीज, थैंक यू। ना बेसिक था, बेसिक था, इसके टफ सम्स और लेके आऊंगा, ये बेसिक आपको समझ में आ जाए कि अच्छा स्प्रिंग ऐसा है, इसके सम्स ऐसे हैं, इसको इसके इसके साथ ऐसे डील करना है, ठीक है। चल थैंक यू वेरी मच।